आए हमले में शौर्य चक्र सम्मानित पीडीसी के चाचा जख्मी हुए हैं और अभी भी मुठभेड़ वहां पर जारी है। राजौरी का ये सुदूर इलाका है जहां पर इस वक्त हैवी फायरिंग सुनाई दे रही है। सेना की एक चौकी पर हमला किया गया है आतंकवादियों द्वारा और साथ ही साथ वीडीसी सदस्य के घर पर भी हमला किया गया है, जिसमें वीडीसी सदस्य जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया उनके चाचा जख्मी हुए हैं। हालांकि और वीडीसी मेंबर पुरुषोत्तम जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम जी, क्या कुछ जानकारियां साझा कर पाएंगे इस वक्त आप? जी सर, मैम मैं तो अपना अपने फौज के साथ हूँ। मेरे घर में फौज लगी हुई थी और अपना फौजी एक आदमी को जख्मी हुआ है और उनको ग्रेनेड फेंका है तो मेरे भाई की जान मर गई और मेरा चाचा जख्मी हुआ। मैम पुरुषोत्तम जी, जिस वक्त ये हमला हुआ क्या स्थिति थी उस वक्त और जब ये हमला हुआ कैसे आप लोग उठे, क्या पूरा घटनाक्रम बता पाएंगे? पूरा नहीं, मैं तो घर पे नहीं हूँ। अच्छा। तो मैं घर पे नहीं हूँ क्योंकि मैं घर पर अपना छोड़ दिया था। जब मैंने तो हुआ था अपना तो मैं अपना घर पर छोड़ दिया। मेरा भाई घर पे तो चाचा है मेरा और मेरा फादर है। अच्छा, चाचा की तबीयत कैसी है इस वक्त? चाचा उसको गोली लगा ना इधर पीछे। हाँ हाँ हाँ, उसका नाम भी आपका आदमी है कुमार है तो उन्होंने ग्रेनेड भी फेंका मेरे भाई की एक दाएं मर गई है। अच्छा पुरुषोत्तम जी, तो क्या घर वालों से लगातार संपर्क में हैं आप? उनके अंदर कोई डर का माहौल तो नहीं है? किस तरह की स्थिति वहां पर है? मैम डर तो बहुत है, क्यों देखो कि डर बहुत है। जब से मैंने ये बिल्डर मारा हुआ जब से बहुत डर है तो मेरे को भी खतरा, मेरे परिवार को भी खतरा है। क्योंकि मेरे भाई साहब देखो अभी मैं छोड़े चक्कर से आ जाऊँ तो कोई अपना सरकार वालों ने भी पूछ नहीं किया। चलो मेरे को नौकरी दे देना था, मैं अपना परिवार में गई तो कर सकता था। मैं खतरा तो बहुत है मैम, अभी क्योंकि मैं इधर रह नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत खतरा है हमारे को। पुरुषोत्तम जी, साथ ही आप बता पाएंगे कि मुख्यालय से राजौरी मुख्यालय से कितना दूर है आपका ये गांव और आसपास कितने घर होंगे? घर तो मैम इतने ज्यादा भी नहीं है, अपना हिंदू के चार पांच घर हैं। जी तो राजौरी से थोड़ा काफी दूर है, गाँव बुंदा है, बीच में हमारा राजौरी है। अच्छा, साथी पुरुषोत्तम जी, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, आतंकवादियों की आमद ज्यादा देखी जा रही है, उसमें वीडीसी सदस्यों को थोड़ा चार्ज देने की बात भी सामने आई है कि वीडीसी सदस्यों को एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइव किया जाए, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? और अपने घर वाले अपने गाँव की आप कैसे रक्षा करते हैं? क्या अभी भी जिस तरह से पहले किया करते थे वही स्थिति है या फिर थोड़ा बदलाव हुआ है? क्योंकि मैम बहुत ज्यादा है, मगर क्योंकि देखो हमारे पास भी मैट्री है, इसको दोबारा दोबारा कहा करने पड़ता है। तो ऐसा हो जाए अपना गवर्नमेंट से कि हमको दूसरा अपना ऑटोमेटिक तैयार होना चाहिए क्योंकि हम खुद लड़ सके, ऐसी बात कोई नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। तो हम ऐसे नहीं है कि डरते डरते नहीं, हम शाम को क्योंकि मेरी पीडीसी को इतना होना चाहिए कि ऑटोमेटिक तैयार मिलना चाहिए। पुरुषोत्तम जी, आपके साथ साथ आपके गांव में और कितने लोग हैं जो वीडीसी सदस्य के तौर पर चिन्हित हैं? कम से कम है ना काफी आदमी है, 20-30 आदमी है। ठीक है, ठीक है पुरुषोत्तम जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम कुमार जो वीडीसी सदस्य हैं, शौर्य चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है और इन्हीं के चाचा के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया जिसकी वजह से वो जख्मी हुए। इनके घर पे हमला किया था और इनके चाचा जख्मी हुए हैं और अब इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अगर इन्हें बल मिलता है, सरकार अगर इन्हें दोबारा रिवाइव करती है तो ये आगे आकर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस बीच सेना की डिप्लॉयमेंट को वहां पर बढ़ा दिया गया है और अभी भी मुठभेड़ सेना और आतंकवादियों के बीच जारी है। राजौरी का सुदूर इलाका है, एक छोटा गांव है जहां पर आतंकवादियों की आमद देखी गई थी और देर रात आतंकवादियों ने इस तरह से कायराना करतूत को अंजाम दिया। हालांकि एक आतंकवादी ढेर भी इस हमले में हुआ है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी को ढेर किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ सेना का एक जवान जख्मी हुआ है, इलाज उसका जारी है और ऑपरेशन अभी भी मौके पर जारी है। घने जंगल हैं, टेरेन इस तरह से है, बताया जा रहा है कि दो गुटों में आतंकवादी यहां पर बटे हुए